भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। धरती से करीब 4.25 लाख किलोमीटर दूर आज विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब बची हुई यात्रा विक्रम लैंडर को अकेले ही तय करनी है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त शाम 5:30 बजे के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। आज सबके मन में सवाल है कि विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने का क्या मतलब है, प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम था और अब इसका क्या होगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इसरो को मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद रूस ने अपने लूना 25 को लेकर क्या कहा। दरअसल इसरो ने 1:30 बजे बताया कि विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है, लेकिन इसके बाद 2:50 पर रूसी मीडिया ने बताया कि लूना 25 तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस ने बताया कि लूना 25 चांद के ऑर्बिट में 16 अगस्त को ही पहुंच गया था और अब 21 अगस्त को लूना 25 चांद पर उतर जाएगा। रूस की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि लूना 25 के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं, यानी चंद्रयान 3 चांद के करीब आ गया है और लूना 25 चंद्रयान के करीब आ गया है। चलिए, चांद पर कौन कब उतरेगा उस पर सोच विचार करने से ज्यादा जरूरी है कि मिशन सफलता से पूरा हो जाए। इसरो ने जो किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको पता होना चाहिए कि इसरो को आज कितनी बड़ी सफलता मिली है। आज प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो गया। दरअसल चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पृथ्वी से लेकर चांद के ऊपर 100 किलोमीटर तक छोड़ना था। प्रोपल्शन मॉड्यूल की वजह से ही चंद्रयान एक एक करके पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ता रहा, उसके बाद चांद की तरफ जाने के लिए सीधी यात्रा की और अंत में चांद के सभी ऑर्बिट्स में घूमा। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को अलविदा कह दिया है। अब आगे का सारा काम विक्रम लैंडर को ही करना है। इसरो ने बताया कि यह प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में महीनों और सालों तक घूमता रहेगा, लेकिन विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। विक्रम लैंडर के लैंड होते ही उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और अपना मिशन पूरा करेगा।